टीआर दियां फाइलां दे बारे वड्डी अपडेट आखिरकार सांझी कर दित्ती गई है ते इह वी दस्सिया गया है कि वड्डी गिनती चो फाइलां पईआं ने जिन्हां दे उत्ते फैसला नहीं सुनाया जा सकिया ते फाइलां केड़ियां ने हुण तुहानूं आईआरसीसी दे वल्लों जारी अंकड़ियां दे थ्रू दस्सांगे। आईआरसीसी यानी कि इमीग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कैनेडा का कहना है कि इमीग्रेशन फाइलों के पहलों के नालों वाधा दर्ज किया गया भावे गया है कि बैकलॉग वाधा होया दिखाई दे रहा। आईआरसीसी के ताज़ा अंकड़े दर्शाते हैं कि अप्रैल तो इनवेंट्री यानी कि डिटेल्ड लिस्ट के अर्जियों की गिनती च वाधा देखने को मिले। 31 मई तक कारोबार की सारिया लाइनों के इनवेंट्री च 2,248,000 अर्जियां सन। यह 30 अप्रैल नूं दर्ज किए गए 20,06,000 तो वध बनते ने। अर्जियां दा बैकलॉग जो कि सेवा दे म्यार नूं पूरा नहीं करता उस दे विच सिर्फ 8,00,000 तो वध के 8,20,000 बन चुकिया। हो इनवेंट्री यानी कि डिटेल्ड लिस्ट दे विच अर्जियां ओ हुंदियां ने जो कि फैसले दे लई आईआरसीसी नूं जमा तां करवाईआं गईआं ने पर अजे तक अंतिम रूप नहीं दित्ता गया। 2022 दे विच आईआरसीसी ने 5.2 मिलियन तो वध अर्जियां नूं अंतिम रूप दित्ता। बैकलॉग दे विच अर्जियां दे वाधे नूं 19 अप्रैल अते 1 मई दे विचकार पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कैनेडा की हड़ताल कारण हुए मजदूरां दे विच विघन दे कारण समझाया जा सकता है। हड़ताल दे मते तो बाद इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर ने भी कहा है कि विघन दे दौरान लगभग 10,00,000 दे करीब अर्जियां जिन्हां ते आईआरसीसी प्रक्रिया करन दी योग नहीं सी जो कि आम तौर ते हो जाणियां सी यानी कि हड़ताल दे कारण वड्डी रुकावट पई है। इस अलावा गर्मियों के महीने च आम तौर पर विजिटर वीजा स्टडी परमिट और वर्क परमिटा दर्जियों की गिनती च भी वाधा हो जाता है। यह भी एक रीजन है कि TR2PR कई अर्जियां नहीं हो पाईया। हुण TR यानी कि टैंपरेरी रेजिडेंस अर्जियों की गल करिए यह वीजा वस्तु सूची के एप्लीकेशन का वड्डा हिस्सा बनाते हैं। वह टैंपरेरी रेजिडेंस वीजा अधीन वर्क परमिटा की खाता रखते हैं। टैंपरेरी रेजिडेंस अर्जियां की गिनती 30 अप्रैल और 31 मई के डेटा के विचकार वधी है। वस्तु सूची के 10,80,000 तो 1.3 मिलियन एप्लीकेशन तक हो जा रही है। इन्हां दे विचों 8,71,000 सेवा दे म्यारां दे अंदर करवाईयां कीतियां जा रहीयां ने अते 4,29,000 नहीं बणियां। आईआरसीसी ने मई दे लई प्रोसैस कीते गए अधीन परमिटां दी अनुमानित मात्रा नूं पार कर लिया। विभाग दे अनुमान लगाया कि ओह सिर्फ 15% स्टडी परमिट अर्जियां नूं सेवा दे मापदंड दे अंदर प्रक्रिया करेगा पर असल दे विच 17% दी प्रक्रिया कर भी रहा है। अस्थाई निवास यानी कि TR परमिट अप्रैल दे मुकाबले मई दे विच तेजी नाल प्रक्रिया कीते जाणगे। बैकलॉग दे विच 50% to 45% तक वाधे होए ने पर यह अजे भी अनुमानित 42% तो घट बनते ने। मई दे लई 24% बैकलॉग दी अनुमानित दर ते वर्क परमिटा ते कार्रवाई नहीं की जा रही। इस दी बजाय 27% अर्जियां सेवा दे म्यार नूं पूरा नहीं कर रहीआं। यह अप्रैल दे 22% तो भी वध बनदा है। हुण गल करांगे परमानेंट रेजिडेंसी दी। 31 मई का डाटा यह भी दर्शाता है कि वस्तु सूची च कुल 6,40,000 परमानेंट रेजिडेंस अर्जियों के 52% जो कि बनता 3,32,000 सेवा के मापदंड के अंदर प्रक्रिया उन्होंने की जा रही है यानी कि प्रक्रिया मतलब प्रोसैसिंग करीबन 48% जो कि 3,08,000 बनता है वह नहीं हो रही। इस तो अलावा बैकलॉग दे विच PR एप्लीकेशन की गिनती 30 अप्रैल तक 51% यानी कि 32,00,000 तो घट बनती है। TR2PR दे सारे डाटा ने जो कि IRCC दे वल्लों सांझे किए गए ने जो कि उन्हां दी वैबसाइट ते भी देखे जा सकते हैं। जेकर तुहाडी कोई एप्लीकेशन प्रोसैसिंग दे विच है तां तुसीं कैनेडा की वैबसाइट पर जाके canada.ca जाके अपनी पूरी डिटेल ले सकते हो तो पता कर सकते हो कि तुहाडी अर्जी कित्थे क तक पहुंची है और उसका प्रोसैसिंग टाइम किन्ना क बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल पंजाबी। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।